वहीं जहां योगी सरकार तीर्थ स्थलों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कासगंज जनपद के तीर्थ स्थल सोरो सूकर क्षेत्र की गलियों में गंदा पानी बह रहा है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। स्थानीय लोग परेशान हैं, नगर पालिका के अधिकारी मस्त हैं। कासगंज जनपद के सोरो नगर पालिका क्षेत्र मोहल्ला बारू 14 पौर व रामलाल हलवाई वाली गली में आए दिन जलभराव की समस्या हो जाती है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी के कानों के नीचे जू नहीं रेंगती। तो आइए सुनते हैं वहीं के रहने वाले छोटे लाल क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। ये सोरो के जो बारू मोहल्ले में जलभराव की रोज की समस्या है। रोज ऐसे गंदे पानी में। कब से आई है? बहुत दिन हो गए। कितना समय हो गया? कितने दिनों से लगातार? एक महीना हो गया। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? रोज पानी गंदे पानी में से निकलना पड़ता है। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? यहाँ ये जल भराव नहीं हो, ये गंदे पानी का जो भराव होता है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही जिला अधिकारी कासगंज को नगर पालिका क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि सोरो सूकर क्षेत्र में सैकड़ों तीर्थयात्री रोजाना दर्शन करने व अस्थि विसर्जन करने पहुंचते हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द ही जलभराव की समस्या का समाधान कराया जाए। वहीं जब PTV इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी संत राम सरोज से जानकारी लेने पहुंचे तो साहब को न गवारा गुजरा। TV रिपोर्टर सचिन दुबे जब फोन से जुड़ना चाहे तो साहब का फोन ही नहीं उठा। आपको बताते चले, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पत्रकारों का फोन ब्लैकलिस्ट में डालने का भी कार्य करते हैं, बस सफाई का कार्य छोड़कर। कासगंज से सचिन दुबे की रिपोर्ट, P न्यूज़।